सो वंस अगेन माई वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड एट चैप्टर नंबर नाइनटीन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर चैप्टर आ चुका है सो so, शुरू करते हैं वेल well, मैंने एक चीज़ नोट की है कि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा एम सी क्यू ऑब्जेक्टिव तो नहीं है सो so, ये मेरा उत्तराण का फोटो है देख लूँ तो अब दबाई गया है तो एनी हाउ चलो सो <laughs> so, um, ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चलो शॉर्ट इसको शॉर्ट थोड़ी कहेंगे एनी हो चलो अंडर दर्कमस्टेंसिस पोलिटिकल इंडिपेंडेंस बिकम मीनिंग पोलिटिकल इंडिपेंडेंस ये एक वर्ड है जो आपको समझना होगा है ना वो कब मीनिंगस हो जाती है तो देखो इंडिपेंडेंस बहुत टाइप की होती है इकोनॉमिक होती है सोशल होती है पोलिटिकल होती है सो so, इस क्वेश्चन में हम लोग पॉलिटिकल uh, इंडिपेंडेंस के बारे में समझेंगे और किन परिस्थितियों में अंडर दिस व्हाट सर्कमस्टेंसेस इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आंसर शुरू करते हैं द इंडियन पीपल रिमेन पॉलिटिकली डिपेंडेंट फॉर द लॉन्ग टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस हर एक पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए इंडियन जो लोग थे वो हमेशा गवर्नमेंट पर ही निर्भर रहे चाहे ब्रिटिशर्स हो मुग़ल हो <coughs> मतलब कभी भी हम लोग हैं ना अपना पोलिटिकल हेड कौन है वो हम लोग डिसाइड कर ही नहीं पा रहे थे नंबर टू द ब्रिटिश हु द ब्रिटिश एंड दोज हु रूल इंडिया बिफोर देम हैड मेड एफर्ट टू कंस्ट्रक्ट द मेंटेलिटी ऑफ द इंडियन ये लोग अपनी जो मैंटेलिटी थी ना वो इंडियन लोगों पे पुश करते थे और इंडियन लोग कहीं ना कहीं इनकी मैंटेलिटी के हिसाब से उनको काम भी करना पड़ा था कोई ऑप्शन था नहीं नंबर थ्री एज ए रिजल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इंडियन सोसाइटी वॉज इन द ग्रीप ऑफ द इल ट्रेडिशन अभी भी जो कुछ पुराने रीति रिवाज हैं हमारे कंट्री में आज भी एग्जिस्ट करते हैं भले हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए बट दिमाग से जब चीज़ें निकलने में टाइम लगता है नंबर फोर द लेवल ऑफ एजुकेशन इन अवर कंट्री वॉज नेग्लेजिबल सो दे आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे नंबर फाइव अ लार्ज क्लास ऑफ द सोसाइटी वॉज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन ज़्यादातर हमारे देश में गरीब लोग थे नंबर सिक्स द होल कंट्री वॉज लिविंग इन द एक्सट्रीम डिफिकल्ट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इकोनॉमिक यानी पुअर थे तो ज़्यादा पैसे हमारे पास थे नहीं सोशल कंडीशन भी इतनी अच्छी वेल डेवलप नहीं थी नंबर सेवन अंडर सच सर्कमस्टेंसिस अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी वॉज द प्रायोरिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इंडियन की इंडियन गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी थी कि लोगों की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आए ना इकोनॉमिक मतलब सबकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो सब गरीबी से बाहर निकले सबकी लाइफ स्टाइल थोड़ी अच्छी हो जाए सोशल भी हम लोग डेवलप कर जाएं सो नंबर एट बिकॉज विदाउट अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी पोलिटिकल इंडिपेंडेंस बिकम मीनिंगलेस अगर हमको पोलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल भी आती है लेकिन अगर हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा तो पोलिटिकल इंडिपेंडेंस बिल्कुल उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है सो so, मैंने एक चीज़ नोट की पूरे आंसर पे है ना मतलब इन्होंने पहले हमारे पास्ट पे फोकस किया फ़र्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में कि हम लोग पोलिटिकल बैकवर्ड थे नंबर थ्री अभी भी हम लोग उस गरीब में थे फिर उसके रीजन बताए कि हमारी एजुकेशन बहुत कम थी हम बहुत गरीब थे तो हमारा देश बहुत ख़राब कंडीशन में था तो गवर्नमेंट चाहते थी कि हम लोग इस कंडीशन से बाहर आए और जब तो तक हम उस कंडीशन से बाहर नहीं आएंगे इकोनॉमिक एंड सोशल तो हमारे लिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मीनिंगलेस हो जाता है ओके सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ ये होते हैं आंसर इन शॉर्ट व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी तो देखो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी जरूरत हमारी मूलभूत जरूरतें क्या होती है देखो सिंपल सा एक डायलॉग याद रखना रोटी कपड़ा और मकान रोटी यानी फूड कपड़ा यानी क्लोथ और मकान यानी सेल्टर ओके सो न्यूट्रीट फूड रोटी क्लोथ यानी क्लोथिंग यानी कपड़ा और सेल्टर यानी लेकिन यही नहीं आजकल जमाना चेंज हो गया रोटी कपड़ा मकान के अलावा हेल्थ एजुकेशन क्लीन एयर एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा आर द बेसिक ह्यूमन ने सो रोटी कपड़ा मकान के अलावा आपको ये एजुकेशन हेल्थ क्लीन एयर और एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना है वॉट आर द बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द वाइट रिवोल्यूशन पहले तो आपको ये समझना होगा कि वाइट रिवोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है um, हमारी कंट्री में मिल्क प्रोड्यूस होता है है ना वाइट कलर मिल्क का ही होता है सो so, मिल्क का प्रोडक्शन पहले जितना हो रहा था वो सफिशेंट नहीं था हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े एंड इसी प्रोसेस को हम लोग वाइट रिवोल्यूशन कहेंगे ठीक है नंबर वन द वाइट रिवोल्यूशन इन द कंट्री हैज़ बेनिफिटेड द फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क प्रोडक्शन तो ये उनके लिए था जो फार्मर्स खेती कर खेती के साथ साथ एनिमल्स को पाल रहे हैं ठीक है नंबर टू ड्यू टू द द्हाइट रिवोल्यूशन फार्मर डूइंग एनिमल हजबेंड्री हैव बिकम सेल्फ़ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशेंट देखो जैसे ही वाइट रिवोल्यूशन शुरू होता है तो फार्मर्स को फार्मर्स का जो तो सोर्स ऑफ इनकम है वो फार्मिंग तो है ही इसके अलावा इनके पास एक अलग सोर्स ऑफ इनकम आ गया है डेट इज कॉल एनिमल हजबेंड्री जिससे इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इम्प्रूव हो पाई और ये लोग सेल्फ रिलायंट हो गए आत्मनिर्भर हो गए और इनके पास अब सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी भी है दियर इकोनॉमी हैज़ इम्प्रूव कंसिडरेबली है ना तो उनकी आर्थिक परिस्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी हुई इन एडिशन विलेज कोऑपरेटिव कलेक्ट मिल्क एंड डिलीवरी टू द लार्ज कोऑपरेटिव डेयरी टू द डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्पल अमूल का ये ले लो है ना अमूल वाले क्या करते हैं गाँव में आते हैं कॉपरेटिव है ना एंड ये फिर मिल्क कलेक्ट करते हैं और बड़े इंडस्ट्री में डेवलप दे, दे देते हैं दिस डेयरी सेंड मिल्क टू द सिटीज़ एंड फुलफ़िल द सिटीजनस नीड देखो शहर के लोगों को भी दूध की ज़रूरत होती है तो ये डेयरी क्या करती हैं गांव से जहाँ एम्पल अमाउंट ऑफ मिल्क होता है वहाँ से वो लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं पेस्टराइज से गुजारते हैं ताकि जो उसके हार्मफुल बैक्टीरिया वो ख़त्म किया जाए एंड फिर हमारे घरों पर वाया पैकेट आते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल अमूल डेयरी दूध सागर डेयरी एक्सेट्रा बहुत सारी हैं सो नंबर फोर वाट आर दोर्सिस ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट चलाना इट नॉट एन ईजी टास्क Uh, अगर आप लोग कभी अफगानिस्तान के बारे में स्टडी करो ना तो देखो एक होता है पूरे कंट्री पे रूल करना अपनी प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म करना और एक होती है आपको सिर्फ कंट्री को लूटना है तो वो पॉसिबल ही नहीं राइट अबाउट द एनी टू सोर्सेस हाँ तो आपको सॉरी uh, मतलब, uh, आपको मतलब आपको गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं टैक्स कहाँ से कलेक्ट होता है और तो आपको किसी दो सोर्स के बारे में लिखना है तो देखो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट आर जी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना यहाँ से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता ही है इसके अलावा इनकम टैक्स एक्सपोर्ट टैक्स इम्पोर्ट एंड कंज्यूमर टैक्स एक्साइज गवर्नमेंट टैक्स एन सर्टेन मेड आर मार्केट इन द कंट्री वेट वैल्यू एडिशनल टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स एक्सेट्रा अब आप पूछोगे सर यह क्या टैक्स है तो देखो जी एस टी है ना हम जो भी सामान खरीदते हैं सर्विस खरीदते हैं उस पर लिया जाता है इनकम टैक्स आप साल में कितना कमाते हो उस पर दिया जाता है आप जब तो अपने कंट्री के बाहर कोई सामान भेजते हो ना उस पर एक्सपोर्ट टैक्स होता है कंज्यूमर टैक्स ये मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बट ये कुछ जगहों पर लिया जाता है स्पेशल सर्विसेज के लिए एक्साइज तो जो हमारे देश में सामान आता है दूसरे देश से अगेन उस पर होता है एंड पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट पे वैल्यू एडेड टैक्स भी लिया जाता है अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तो उसमें इनकम टैक्स में पॉइंट नंबर ए द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स इन ऑन द इनकम ऑफ द सैलरीड पर्सन तो जो इंसान सैलरी से पैसे कमाता है उससे गवर्नमेंट इनकम टैक्स वसूल करती है इन एडिशन द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फर्म एंड कंपनीज ऑन द इनकम ऑफ देयर शेयर होल्डर सो गवर्नमेंट क्या करती है uh, जो पैसे होती है वो भी कलेक्ट करती है कंपनी के जो शेयर होल्डर कंपनी से भी करती है कंपनी अपने शेयर होल्डरों को अपकोर्स इनकम भी देती है ना गवर्नमेंट ऑल्सो लेवी टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ द शेयर हम लोग जो शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते हैं सेल करते हैं गवर्नमेंट उसके उस पर भी इनकम टैक्स लेती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स द गवर्नमेंट कलेक्ट जी एस टी फ्रॉम द ट्रेडर ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड देयर सेल सर्विस इन द बिजनेसिस ऑफ द कंट्री जो ट्रेडर होते हैं सामान खरीदते हैं बेचते हैं उन पे ये जीएसटी लिया जाता है दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट ज़्यादातर गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो जीएसटी से ही होती है राइट शॉर्ट नोट तो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट है द गवर्नमेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इस आंसर को कभी भी एग्जाम में साथ में नहीं पूछेंगे है ना या तो आपसे गवर्नमेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पूछेंगे या फिर आपसे गवर्नमेंट रोल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ पूछेंगे है ना तो देखो पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की है ना पढ़ाई के बारे में कि गवर्नमेंट का क्या रोल है ना प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स एज मैं इन द कंस्टिट्यूशन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड नाइन एटी दो हज़ार नौ में गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया मतलब कंस्टीट्यूशन में कुछ नए पॉइंट इन्क्लूड किए जहाँ पे राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश में सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन देने का एक प्रोविजन बनाया गया अकोर्डिंग टू दिस लॉ प्रमरी स्कूल कम से कम हर एक गाँव में एक स्कूल तो होना ही चाहिए चाहे उसकी जो भी पॉपुलेशन हो द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ प्रोविजन फॉर द क्लासरूम लेबोरेटरी स्क्रीन ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी टॉयलेट मिड डे मील अरेंजमेंट राइट स्टैंडर्ड ऑफ टीचर क्वालिफिकेशन आर अपॉइंटेड ग्रांट टू द स्कूल एज फाइनेंशियल असिस्टेंट एक्सेट्रा इन एवरी प्राइमरी स्कूल हर एक प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि अच्छे क्लास हो, लैब्स हों uh, पीने का बच्चों को साफ पानी मिले इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी अच्छी रहे टॉयलेट्स कहूँ मिड डे मील मतलब उनको उनके नाश्ते के लिए भी गवर्नमेंट अरेंजमेंट करेगी एंड uh, अच्छे क्वालिफाइड टीचर हों ये मतलब हर एक स्कूल में प्राइमरी स्कूल में इतनी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए नंबर फोर द गवर्नमेंट रन सम सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेजेस इसमें जो कुछ स्कूल तो गवर्नमेंट भी चलाती है दस गवर्नमेंट प्लेन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ओके तो एजुकेशन में गवर्नमेंट बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नाउ गवर्नमेंट रोल इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ इंडिया हैज मेड अ गुड प्रोग्रेस इन द हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इंडिया ने उसमें काफ़ी खड़ा डेवलपमेंट किया है द गवर्नमेंट हेज लॉन्च द चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम एज ए स्पेशल प्रिकॉशन फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए बच्चों की इम्यूनिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए नाओ अंडर दिस प्रोग्राम वैक्सीन लाइक ओ पी वी फॉर पोलियो बी सी जी फॉर ट्यूबर क्लोसिस हैपाटाइटिस बी फॉर टॉक्सिक जोडिस डी पी टी फॉर डिप्टेरिया वनफिक एंड टेटनस वैक्सीन्स आर ऑफ मिल्सिस टाइफोड एक्सेट्रा आर गिवेन टू द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव दियर हेल्थ इन बच्चों को ये सारी वैक्सीन दिलाई जाती हैं नंबर फोर मैनी डिजीज है कंट्रोल थ्रू द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स के साथ बहुत सारी बीमारियां तो काबू में कर ली गई हैं नंबर फाइव द गुजरात गवर्नमेंट रजिस्टर द प्रेगनेंट वुमन अंडर द ई मुमता प्रोग्राम एंड वुमन हेल्थ एंड गिव्स हर दमता कार्ड जो प्रेगनेंट लेडी उनको मुमता कार्ड दिया जाता है एंड फिर बाद में उन उनको आ, उनकी डिलीवरी अच्छे से करवाई जाती है बच्चे के जन्म के टाइम पे जो ज़रूरी वैक्सीन होती है Uh, वो उनको प्रोवाइड की जाती है इंक्लूडिंग द बर्थ सर्टिफिकेट है ना ये गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है बनाओ द मदर एंड द चिल्ड्रन द चाइल्ड हेल्थ इज़ टेकन केयर विद रेगुलर चेकअप्स एंड प्रेगनेंट वुमन बाय द वैक्सीनेशन प्रोग्राम आफ्टर द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन देखो यहाँ पे माँ की और बच्चे की अच्छे से ध्यान रखा जाता है देखो कई बार हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि सब लोग सोच रहे हैं कि बच्चा लड़का होना चाहिए बट लड़का होता नहीं है लड़की होती है तो लोगों का मूड अपसेट हो जाता है फ़ीमेल पे जिनकी प्रेग्नेंसी हुई है उन पर कोई ध्यान देता नहीं है बट ये हॉस्पिटल के कॉन्सेप्ट आने की वजह से क्या होगा है कि उनका प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है बॉडी कमज़ोर पड़ रहा है सख्ती की दवाइयाँ देनी है या फिर जो भी इशूज़ हैं हॉस्पिटल देख लेते हैं ना नौ नंबर सिक्स तो हो गया नहीं आगे बढ़ते हैं इन लार्ज सिटीज ऑफ द स्टेट द गवर्मेंट एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल एट द तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज सिटीज दवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट एडमायरेबल रोल इन देल्थ सेक्टर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर टू चेंज है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं तो देखो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है एक सिंपल सा एक सॉन्ग देख लेना यूट्यूब uh, पे जाके सर्च कर लेना मेरे देश की धरती सोना उगले है ना वो वो सॉन्ग को देखना uh, कैसे फार्मिंग होती है आपको ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग मिल जाएगा ना और आज कैसे फार्मिंग होती है वेल यू कैन कंपेयर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही कंपेयर करो है ना इंडिया इज एन एग्रीकल्चर एग्री एग्रीकल्चरल कंट्री सेवेंटी परसेंट आबादी हमारे देश की आज भी खेती करती है तो एग्रीकल्चर कंट्री बाई डिफॉल्ट हो गया नंबर टू एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन द पीपल ऑफ इंडिया देर इज नो डाउट अबाउट इट है ना नंबर थ्री इंडिया हैज़ सफिशेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर इंडिया के पास अगर देखें तो जमीन भी काफ़ी ज़्यादा है खेती करने के लिए ऑफकोर्स ड्यू टू द फार्म ड्यू टू फार्मर यूजिंग ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट एंड मेथड ऑफ द फार्मिंग इंडिया अलेक्ट इनफ इन प्रोडक्शन हमारे जो तौर तरीके थे ना खेती के वो आज भी बहुत ही आउटडेटेड है और पुराने हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा है जितना एक्चुअल में हम लोग कर सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस एम्पल एफर्ट्स वे आर मेड इन फाइव ईयर प्लान टू डेवलप एग्रीकल्चर हमारे देश से आ जाता है हम लोग फाइव ईयर प्लान बनाना शुरू करते हैं जिसपे एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया गया लास्ट पॉइंट फैक्टर सच एस इंप्रूवसड इम इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फार्मर हार्डवर्क पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्रीज इरीगेशन फेसिलिटी एक्सेट्रा लेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहांसमेंट फैसिलिटीज एक्सेट्रा लीड टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनहांसमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपनी सिर्स की क्वालिटी इंप्रूव की हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना शुरू किया फार्मर्स को कहा गया कि अब कुछ ज़्यादा हार्डवर्क करना है एग्रीकल्चर सप्लाई हमने अच्छी की और इससे क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लग गया एक्चुअली में इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ द फोर्ड प्रोडक्शन और आगे जहाँ हम लोग टू की बात करें इंडिया खेती के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है मतलब खाने की एटलीस्ट अनाज के लिए हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता है यू कैन सी अभी राइट नाउ टू थाउजेंड थ्री जनवरी महीना है पाकिस्तान में वीट की शॉर्टेज है उनके यहाँ पे कंट्री में वीट ही नहीं है इमेजिन वो भी एग्रीकल्चर कंट्री वहाँ पर भी एटी लोग खेती करते हैं बट कितने शर्म की बात है नहीं इंडिया से तो मांगने से रहा ऐसे इंडिया को बुरा कंट्री नहीं है कर भी देगा, बट किस मुँह से मांगेंगे इन अवर कंट्री तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हुआ ना इसको हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन कहेंगे वाइट रिवोल्यूशन फॉर मिल्क ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर वेजिटेशन फूड ग्रेन है ना नंबर नाइन कोपरेटिव एक्टिविटी है लेवल ऑफ द एग्रीकल्चर एंड टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर गाइडेंस टू फार्मर्स तो कोऑपरेटिव एक्टिविटी हुई जहाँ पे मतलब आ, किसानों का एक संगठन होता है जिससे उनके उनको फार्मर्स को गाइड किया गया, गया है एग्रीकल्चर में कैसे आगे आना है कैसे बढ़ना है उन्होंने वो सब एफर्ट डाले नंबर टेन द ग्रीन रेवोल्यूशन लेट टू द रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड पेडी क्रॉप्स इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन आपका जो वीट है गेहूँ एंड पेडीज मतलब जो राइस है इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया नंबर इलेवन इन अ कंट्री वेयर देयर देअ अ स्केयर ऑफ द फूड ग्रेन्स बिफोर देर आर एम्पल रिजर्व दूड ग्रेन टूडे एक देश एक टाइम था जब हम लोग बाहर के देशों से फूड ग्रेन्स मंगवाया करते थे और आज देखो हमारे कंट्री में बफर स्टॉक पड़े हैं इवन हम लोग दूसरे कंट्री की भी हेल्प कर रहे हैं लाइक अभी दिवाली के आसपास हमने अफग़ानिस्तान को बहुत सारा वीट भेजा था है ना नंबर ट्वेल्व अचुएशन ऑफ ड्रॉट और स्कैरसिटी कैन बी ईजिली बी ओवरकम टूडे डू टू दफर स्टॉक ऑफ ग्रेंज आज भी अगर मान लो एक साल हमारे यहाँ पे ठीक से बरसात नहीं आती है तो हमारा फार्मर खाएगा क्या वेल हमको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारे बफर स्टॉक्स बना रखे हैं ठीक है एक्सप्लेन एक्सप्लेन पर क्वेश्चन पूछा गया है डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर फिलहाल बात तो इतना सा पूछा क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट फिर एनिमल हस्बेंड्री तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद एक फार्मर की ज़िंदगी में क्या उसका इफेक्ट पड़ा अफकोर्स खेती अच्छी हुई तो उसको पैसा अच्छा मिलेगा ही मिलेगा बाकी एनिमल्स को पाल के वो मिल्क बेच के भी पैसे कमा ही रहे हैं ओवरऑल क्या होगा उसका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो जाएगा है ना देखते हैं आंसर में क्या लिखा है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द वाइट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड द फील्ड एंड द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इकोनॉमिक and द सोशल कंडीशन ऑफ द फार्मर engaged इन द फार्मिंग एंड एनिमल husbandry तो जो इन एक्टिविटी में इंक्रीज है तो ग्रीन वॉल्यूशन के कारण वेजिटेशन एंड वाइट वॉल्यूशन के कारण मिल प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई जिसमें फार्मर की अच्छी कंडीशन हो गई इकोनॉमिकली एंड सोशली चिल्ड्रन ऑफ दिस फार्मर हैव स्टार्टेड गेटिंग गुड एजुकेशन पैसा अच्छा आया तो फार्मर्स ने क्या किया अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया महंगे स्कूलों में पढ़ाया है ना मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड इन देयर डाइट क्लोथिंग एकोमोडेशन एंड रेजिडेंस यही नहीं फार्मर्स के थोड़ा खाने पीने का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ कपड़े का रहन कपड़े का पहनावा रहन सहन इन सब में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले देयर होम हैव बीन एक्यूब विद मॉडर्न गैजेट्स है ना इनके घरों में ए सी भी होती है इनके घर में वॉशिंग मशीन भी होती है और इवन उनके पास स्मार्टफोन्स भी है है ना नंबर फाइव देर मेंटेलिटी है चेंज अ लॉट सोचने का तरीका इंसान के जब तो पैसा आता है ना तो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेच्योर हो ही जाता है अकॉर्डिंग टू मी उसको पता चलता है कितना खर्च करना चाहिए कितना खर्च नहीं करना चाहिए आफ्टर ऑल मेंटलिटी भी चेंज हो जाती है ना देव बिकम फ्री फ्रॉम दिल कस्टम अब उनको पता चल गया है कि ये जो पुराने रीति रिवाज है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमको माननी है ये तो जस्ट सोसाइटी को स्मूथ रन कर सकें इसलिए इसको फ्रेम किया गया था ना सो so, स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नीड टू इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन द सर्टेन आइटम्स कुछ चीज़ों पे हमको ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए देखो वेजिटेशन हो गया हमारी जो जरूरत की चीज़ें होती हैं मिल्क हो गया इन सब पे तो टैक्स लेना ही नहीं चाहिए तो किस पे टैक्स लेना चाहिए वेल well, महंगी महंगी गाड़ियों पे जो पर्सन महंगी गार कार खरीद सकता है तो भले ना दस पंद्रह लाख ऊपर नीचे हो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो तब भी खरीदने वाले हैं तो कुछ चीज़ों को हम हमारे गवर्नमेंट को आप टैक्स लगाना ही पड़ेगा अब ये चीज़ें जब ज़्यादा बिकेगी तो गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा आएगा ज़्यादा पैसा आएगा तो अफकोर्स सब उस पे जो मतलब कोई ब्रिज बनेगा तो ब्रिज सभी लोग यूज़ करेंगे इवन मिडल क्लास वाले अच्छा ये एरोप्लेन को भी अभी आना था एनी हाउ मिडल क्लास वालों को पुअर पीपल वाले एंड इवन रिच पीपल तीनों तीनों ब्रिज का यूज करेंगे ठीक है नंबर वन इवन दो द स्टेट लिंक द रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर एक्सपेंसिव द गवर्नमेंट स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू प्रोवाइड फैसिलिटी पीपल गवर्नमेंट जो सड़कों पर खर्चा करती है तो ये सड़कों पर जो खर्चा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और यही ऐसा गवर्नमेंट लोगों से कलेक्ट करती है टैक्स के फॉर्म में द गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड ग्रेन्स एडिबल ऑयल शुगर और द लोअर इनकम फैमिलीज एट अ सब्सिडाइज रेट विच आर लेस देन द प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू द फेयर प्राइस शॉप अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने ये भी इंश्योर किया कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन शॉप यानी फेयर प्राइज शॉप ओपन कर दिए एंड इसमें उनको अच्छा फूड ग्रेन्स एडिबल ऑयल और सुगर बहुत कम प्राइस में मिल जाता है एनिवल जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं बी uh, पी एल कार्ड जिनके पास है उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया जाता है ऑल सच एक्टिविटी कैरीड आउट द गवर्नमेंट फॉर द दर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग बेसिक कम्यूनिटी टू द सिटीजन वही सब एक्टिविटी गवर्नमेंट क्या करती है इसे जो गरीब लोग हैं उन पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है है ना एंड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सच वेलफेयर स्कीम मोर आइटम्स आर रिक्वायर्ड एंड हायर टैक्स इम्पोज ऑन देम तो इन्हीं सब एक्टिविटी को चलाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए बहुत पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो हर एक चीज़ पर आप लोग टैक्स लगाओ और टैक्स कमाओ ठीक in in है नंबर थ्री बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री इन द स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन सेज बोलते हैं इसको स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन कुछ लोग उसको स्टेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं देखो मेन पर्पज़ क्या होता है हर कंट्री को हर स्टेट को चाहिए पैसा है ना इनकम चाहिए ये लोग क्या करते हैं किसी फॉरेन कंट्री को बोलते हैं आओ आओ फॉर एग्जांपल तमिलनाडु वाले तमिलनाडु वाले बोलते हैं आइयो तुम आईफोन वाला इधर आओ फैक्ट्री बनाओ मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस प्र, करो तो वो लोग बोलेंगे अरे अरे आपके यहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग तुमको सस्ता प्राइस में ज़मीन देगा ओके वेल uh, well, तुम्हारे यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है हाँ तो पहले पाँच साल टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ऐसे लुक्रेटिव ऑफर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि लोग वहाँ पर अब मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करके आईफोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें अब इससे स्टेट को क्या मिलेगा जी एस टी है न एज्यूम करो कि एक मोबाइल फ़ोन बेचने पर गवर्नमेंट को टेन थाउजेंड रुपीज़ मिलता है मान लेते हैं वहाँ गौर्म, पे गवर्नमेंट ने टेन थाउजेंड रुपीज़ मिलता है एंड एजूम करो गवर्नमेंट रोज हंड्रेड मोबाइल फ़ोन मतलब गवर्नमेंट अगर अगर वो कंपनी वाले हंड्रेड मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं तो टेन लाख की इनकम होगी गवर्नमेंट की चलो दस हज़ार मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करते हैं इमेज दिन का कितना कलेक्शन होगा है ना सो स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन गिव्स द फॉलोइंग बेनिफिट to the industry startup number one land for the industry are given at a price lower than the market price मैंने कहा था ना जमीन उनको सस्ते प्राइस में मार्केट रेट से कम प्राइस में, में प्रोवाइड की जाती है नंबर टू सब्सिडीज आर गिवन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री उनको इंडस्ट्री को कुछ सब्सिडी भी मिलती है बेनिफिट्स मिलते हैं फैसिलिटी लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर फोर द इंडस्ट्री फॉर प्रोवाइड एट अ रिजनेबल रेट उनके लिए कुछ रेट फिक्स कर दिए जाते हैं अफकोर्स कम ही होते हैं पानी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है ज़्यादातर केसों में एंड फैसिलिटी लाइक द रोड सीवरेज सिस्टम एंड प्रोवाइडेड इन द जोन तो ऐसी इंडस्ट्री के आसपास रोड अच्छी होनी चाहिए सीवरेज लाइन अच्छी होनी चाहिए लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए लो इंटरेस्ट रेट लोन आर गिवन फ्रॉम द बैंक उनको बैंक की तरफ से भी बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी कम इंटरेस्ट रेट में नंबर सिक्स एग्जम्सन फ्रॉम द डिफरेंट टैक्सेस आर ऑल्सो गिवन फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन यानी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है है ना आगे बढ़ते हैं अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये जो तीन क्वेश्चन है वन टू थ्री तो ये तीन क्वेश्चन मैंने लिए हैं टेक्स्ट बुक के पीछे से ओके और ये तीन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम गिव एन एग्जाम्पल शोइंग डेट सोसाइटी प्रोग्रेस्ट नेसेसिटी चेंज समाज में बदलाव आया है इसका आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ देर आर ओनली थ्री पॉइंट्स दो हैविंग अ सफिशेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर फार्मर इन इंडिया कुड नॉट गेट इन अप क्रॉप प्रोडक्शन एज दे वेयर कल्टीवेटिंग क्रॉप विद द ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट एंड मेथड्स तो देखो यहाँ पर पहले पॉइंट में ये हाईलाइट किया गया कि इंडिया में मतलब खेती के लिए सफिशेंट जमीन है फार्मर्स भी इंडिया का क्रॉप ग्रो कर लेता है लेकिन उस जितनी क्रॉप ग्रो करता है उतना उसको पैसा रिटर्न नहीं मिलता है है ना और आज हमारा किसान वही पुराने तौर तरीके से खेती कर रहा है इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फूड ड्यू टू द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द फाइव ईयर प्लान्स देर आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया है खाने के मामले में है ना फूड के बारे में फाइव ईयर प्लान बनाया था हमने जिसमें हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ गया। the <coughs> तो इस तरीके से हमने अपने फार्मर्स की कंडीशन अच्छी कर ली वट डेथ ऑफ द स्मॉल छोटे बच्चे अब कम उम्र में ना मरे उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है नंबर वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुड भी ओपन इन एवरी विलेज फर्स्ट सो so सो death डेथ the small स्मॉल चिल्ड्रन prevented due ड्यू टू lack लैक ऑफ ट्रीटमेंट देखो बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर अलग अलग जिलों में सेंटर डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन किए गए इनका मेन काम क्या है कि बच्चों को जो ट्रीटमेंट चाहिए वो तुरंत ही मिल जाए और किसी बच्चे की डेथ ना हो नंबर टू एडिकुअट फैसिलिटीज शुड भी सेटअप टू टेक द स्पेशल केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर इन द स्मॉल चिल्ड्रेन स्पेशल स्पेशलिटी दी जाती है है ना फेसिलिटीज सॉरी दी जाती हैं एंड मदर के बच्चे की हेल्थ का रेगुलर चेकअप होता है तो इससे क्या होगा कि कोई बीमारी अगर है तो तुरंत ही डिटेक्ट हो जाती है तो हम उसको बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अच्छा सॉरी नंबर थ्री द गवर्नमेंट शू स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट द चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम विच वॉन्च एज स्पेशल प्रिकॉशंस टू इंश्योर द गुड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन तो गवर्नमेंट ने मतलब एक बच्चों के लिए वैक्सीन भी निकाली ताकि uh, उनकी हेल्थ अच्छी रहे उनका बॉडी एम्यून, एम्यून रही बीमारियों से अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम चिल्ड्रन शुड बी गिवन वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन एंड टू प्रोटेक्ट देर हेल्थ बच्चों को हम लोग क्या कर रहे हैं उनको स्पेशली वैक्सीन दे रहे हैं ताकि आगे चल के कोई बीमारी का पार्ट ना हो वाई आर द फूड ग्रेन्स अवेलेबल एट मार्केट एट द फेयर प्राइसर देन द मार्केट प्राइस राशन की दुकान में आप जो अनाज खरीदते हो ना वो मार्केट के रेट से बहुत सस्ता होता है तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है ताकि गरीब लोगों को खाना मिल सकें टू मेक श्योर डेट द पुअर टू नॉट स्पेंड अ लार्ज पोर्सन ऑफ दर इनकम ऑन द बेजिक नेसेस लाइक दाइफ बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड ग्रेन्स एडिबल ऑयल शुगर एक्सेट्रा हर प्रोरिटी बद गवर्नमेंट इधर फेयर प्राइज शॉप इधर लोअर प्राइज दैन द मार्केट प्राइज इन ऑर्डर टू एनशोर डैट इवन अ पुअरेस्ट गेट अ स्क्वायर मील्स इन एवरी डे एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गवर्नमेंट है ना चाहती है कि लोग है ना कम से कम जो जरूरत की चीज़ें हैं वो उनको अगर राशन शॉप से मिल जाएगी तो यह पैसा बस हम उनको पैसा कमाना रह, रह रहेगा और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करनी होगी और अल्टीमेटली इससे हमारे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा सो so क्लास ये था आपका चैप्टर नंबर नाइनटीन एंड सिर्फ चैप्टर नंबर सेवनटीन बाकी है तो वो भी हम लोग बहुत जल्द कर लेंगे ओके सो बाय एवरी वन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ